अस्थमा दिवस पर गुड़गांव के होटल स्काई सिटी में सेव योर लंग्स अभियान की शुरुआत की गई। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते क्लीन एयर इंडिया मूवमेंट और एविस हेल्थ ने साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। सेव योर लंग्स कैंपेन के तहत क्लीन एयर एक्सप्रेस नाम की एक वैन वॉलंटियर्स को लेकर गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा के अलग अलग इलाकों में घूमेगी। करीब 20 वॉलंटियर्स की टीम लोगों को प्रदूषण से हो रहे नुकसान और इसे रोकने के लिए जागरूक करेगी। यह मुहिम विजय कन के नेतृत्व में चलाई जा रही है। यह है गुड़गांव शहर, क्राउडेड, बिजी और फास्ट। लेकिन एक और बात है जो इस शहर को बाकी शहरों जैसा बनाती है और वो है प्रदूषण। प्रदूषण के खिलाफ शहर के लोग और अन्य संस्थाएं एकजुट होकर काम कर रही है। ऐसी ही एक पहल है सेव योर लंग्स कैंपेन, जिसकी शुरुआत गुड़गांव के होटल स्काई सिटी में की गई। क्लीन एयर इंडिया मूवमेंट और एविस हेल्थ की ये मुहिम लोगों को प्रदूषण के खिलाफ जागरूक करने के लिए शुरू की गई है। इस कैंपेन के चलते क्लीन एयर एक्सप्रेस नाम की एक वैन वॉलंटियर्स को लेकर गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा के अलग अलग इलाकों में घूम रही है। करीब 20 वॉलंटियर्स की टीम स्लोगन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को प्रदूषण से जुड़ी सभी जानकारियों पर जागरूक करेगी। ये पूरा कैंपेन विजय कन के देखरेख में हो रहा है। क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत खराब है एंड इस इतना खराब है कि मतलब कि जो जितने भी नए बच्चे अब जो पैदा हो रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड लंग कैपेसिटी, उनका 40% लंग की कैपेसिटी खत्म है, डेड है। तो मतलब 60% कैपेसिटी से ही पैदा हो रहे हैं, यू नो, मतलब ये बहुत सीरियस मुद्दा है। एंड और एक और इन्फॉर्मेशन जो है कि मतलब आम जनता में हमें इसका अवेयरनेस ही नहीं है। हमने बहुत यू नो एयर, क्योंकि ना हम एयर को देख सकते हैं, ना हम इसको स्मेल कर सकते हैं, ना परसीव कर सकते हैं कि पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है और इसके बारे में बहुत कुछ हो भी रहा है। लेकिन काफ़ी कुछ अभी गवर्नमेंट लेवल पे है। आई थिंक हमारा जो इनिशिएटिव है ये इसको इंडिविजुअल लेवल पे करना, इसको लंग्स के साथ जोड़ना कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो कर रहे हो और किसी और के लंग्स के लिए कर रहे हो आप। और लंग्स जो हैं आज इसलिए स्पेशली हमने वर्ल्ड एस्थमा डे का दिन चूज़ किया इसको लॉन्च करने के लिए, ताकि हम इस ताकि लोग रिलेट कर सकें। हाल ही में किए गए स्टडीज के मुताबिक यहाँ रहने वाले हर इंसान के लंग्स की स्थिति एक ऐसे इंसान के लंग्स जैसी होती है जो रोज कम से कम 7 सिगरेट पीता हो। आए दिन सांस की तकलीफ से जूझते मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, जलते कचड़े के ढेर से निकलता काला धुआं, मेट्रो कंस्ट्रक्शन के दौरान उड़ती धूल, सब हमारी हवा में जहर घोल रही है जिसमें हम सांस लिए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदूषण पर लगाम लगाने का पूरा जिम्मा सिर्फ प्रशासन पर ही डालना समझदारी नहीं होगी और कहीं न कहीं ऐसे कैंपेन लोगों में जागरूकता जरूर लाएगी। गुड़गांव से राज वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। 16 मई से